गुरुवार को राज्य के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बातचीत किया और सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर निर्माण के पक्ष में आएगा, ऐसी उम्मीद है। भाजपा की भी यही इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह इतिहास से भी सिद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की धरती पर आने का अवसर मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। झारखंड की रघुवर सरकार के 4 वर्ष पूरे हो ही रहे हैं। इन 4 सालों में भाजपा की सरकार ने झारखंड में सुशासन और विकास देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है, कानून व्यवस्था में रेडिकल चेंज भी आया है, नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई है, गुंडागर्दी पर लगाम लगा है, 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार के प्रयास से 14-15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में नक्सल इलाकों में शाम को भी निकलना मुश्किल था, लेकिन झारखंड सरकार के प्रयास से अब रात में भी कहीं भी जाने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। इस मौके पर भाजपा के महामंत्री दीपक प्रकाश, बिहार विधान परिषद के सदस्य आदित्य पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल मौजूद थे। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा उसको ट्विस्ट करके जो है वो न्यूज चलाई गई, उसको एडिट करके चलाई गई। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हनुमान जी पढ़ा जा सकते थे। ये गलत तरीके से जो है वो पूरे देश भर में इस बात को प्रचारित किया गया कि वो योगी जी ने कह दिया कि वो दलित थे। योगी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राम के सीता जी के अपहरण के बाद दंगा पर विजय करने के लिए राम ने जो चढ़ाई की उसमें समाज के सभी तबकों को, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी, दलित, ये सबको हनुमान जी ने संगठित करके और उनके साथ गए, उसको तोड़ करके एक कंपार्टमेंट में आपने रख दिया, आपने नहीं हमारे विपक्षियों ने रख दिया। हनुमान जी सबके थे और सबके हैं, देश के एक एक व्यक्ति के आत्मा में हनुमान जी बसे हुए हैं और उनको जात के दायरों में नहीं रखा जा सकता, यही मैं कह सकता। तो वंदन स्वामी ने ट्वीट किया है सर कि नहीं बना राम मंदिर तो हिंदू आपके बना। देखिए, राम जन्मभूमि बनाए जाने के लिए राम जन्मभूमि का मुद्दा यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम जन्मभूमि ये ट्रू सत्य है और ये हमारे इतिहासों से सिद्ध है और जो वहाँ खुदाई हुई उसे सिद्ध हो चुका है कि अयोध्या ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। हाई कोर्ट के निर्णय में भी ये बात आ चुकी है, उसका हिस्सा उन्होंने बताया है कि ये श्री राम की जन्मभूमि है और यदि श्री राम की जन्मभूमि है तो देश की आस्था और विश्वास भगवान श्री राम के रोज रोम रोम बसे हुए हैं और इसलिए सबकी ये इच्छा है कि अयोध्या में श्री राम लला की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो। और अकेले भारतीय जनता पार्टी ऐसी भारतीय पार्टी है राजनीतिक दलों में जो अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि बनवाना चाहती है। ये हमारा एक तरीके से संकल्प है। यहाँ पर जो लोग इस पर विवाद कर रहे हैं, यदि उनको यदि वो चाहते हैं कि अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि बन जाए तो अपने विवाद को हटा लें। किन कारणों से कांग्रेस पार्टी के लोग गए और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा कि इसको चुनाव लोकसभा के चुनाव तक टाल दिया जाए, तो वो नहीं चाहते कि वहां पर राम जन्मभूमि स्थान पर राम मंदिर बने। हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बने। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुनवाई के लिए 4 जनवरी तारीख लग गई है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जन भावनाओं को देखते हुए और इन तथ्यों को देखते हुए निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। यह पहला विकल्प है।